हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे जेई एडवांस, जेई मेन और नीट के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। अतः वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम न लगाते हुए न्यूमेरिकल करना सीखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर वन, ए पॉइंट क्यू लाई ऑन वाई सेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द डाइपोल इज आर एंड दिस आर इज वेरी वेरी मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डाइपोल, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। हमें बताना है कि एक डायपोल उसके बाईसेक्टर पॉइंट पर एक पॉइंट क्यू हमने लिया है, तो उस पॉइंट क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इनमें से किस तरह से डायपोल मोमेंट और डिस्टेंस के साथ रिलेट होगी। पहला ऑप्शन कहता है पी इनवर्स पी पावर माइनस वन एंड रेडियस डिस्टेंस आर पावर माइनस टू। सेकेंड में कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सी ऑप्शन में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डी ऑप्शन में कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के बाईसेक्टर लाइन पर जब कोई पॉइंट लाई करता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज गिवन बाई कैपिटल ई इज इक्वल टू पी अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो इस रिलेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यू। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज डी। न्यूमेरिकल नंबर टू, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। नंबर वन बोथ ए टॉर्क एंड ए नेट फोर्स। नंबर टू ओनली ए फोर्स बट नो टॉर्क। नंबर सी ओनली ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स एंड डी ऑप्शन इज नो टॉर्क एंड नो नेट फोर्स। हमें बताना है जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या केवल टॉर्क लगता है या ओनली फोर्स लगता है या फिर दोनों लगते हैं, हमें ये बताना है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो जो डायपोल के दो चार्जेस होते हैं उन दोनों चार्जेस पर अलग अलग मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। इसके बेस पर हम कह सकते हैं दोनों फोर्सेज अपोजिट हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए नेट फोर्स कुछ होगा। और दूसरा, टॉर्क तो यहाँ पर लगना ही है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं जो कि दोनों के दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टॉर्क भी होगा और नेट फोर्स भी होगा। तो दिस इज ऑप्शन ए। न्यूमेरिकल नंबर थ्री, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज क्यू एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज पी। इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इफ इट्स डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then the force acting on it and its potential energy are respectively। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट पी और जिस चार्ज से मिलकर बनता है उसका मैग्नीट्यूड क्यू है। इस डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू होता है। एफ वन इज इक्वल टू क्यू ई, एफ टू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, इसलिए नेट फोर्स इज जीरो। तो ऑप्शन डी के अंदर नेट फोर्स जीरो। नाउ हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल
in uniform electric field is given by U is equal to minus P cos theta, इतना potential energy होती है, but यहाँ पर हमारा angle theta 0 है, angle theta 0 है, theta 0 क्यों है, क्योंकि हमें जो electric dipole दिया है, उस electric dipole को हमने electric field के अंदर हमें कहाँ पर रखना है, electric field की ही direction में रखना है, electric field की ही direction में, जब electric field की direction में रखते हैं, electric field की direction में रखते हैं, तो theta is equal to 0 हो जाता है, dipole moment और E के बीच में angle 0, therefore U is equal to minus P cos 0, cos 0 is 1, therefore potential energy is minus P minimum, so therefore correct answer is D. अब यदि हम इसी में क्या करें, theta हमारा 180 degree हो जाता, theta यदि हमारा 180 degree हो जाता, तो फिर ये potential energy हमारी क्या होती, maximum हो जाती, क्योंकि cos 180 is minus 1, minus 1 into P is positive P, maximum potential energy हो जाती, पहले केस में जब theta हमारा 0 था, उस time हम इस orientation of the electric dipole को क्या कहते हैं, stable equilibrium कहते हैं, stable equilibrium, कब, जब theta हमारा 0 है, और जब हमारा theta 180 degree होता है, theta हमारा 180 degree, मतलब P और E के बीच का angle 180 degree है, तो इस orientation में हम क्या कहते हैं, unstable equilibrium कहते हैं. Numerical number 4, 3 point charges plus Q, minus 2Q and plus Q are placed at the points 0A0 and 000 and A00 respectively. The magnitude and direction of the electric dipole moment of this vector of this dipole moment vector of this charge assembly R. हमें यहाँ पर 3 point charges given है, उनकी position given है, उन points के coordinates हमें given है, जहाँ पर उन charges को रखा गया है, तो इस तरह से जो charge assembly बनती है, इस charge assembly से जो हमारे electric dipole बनता है, उस electric dipole का हमें resultant dipole moment बताना है, तो हमने इस question के according जो हमें charges given थे, उन चार्जेस को हमने इस तरह से प्लेस किया, चार्जेस को इस तरह से प्लेस किया, पहला चार्ज हमारा प्लस क्यू चार्ज के हमारे कोऑर्डिनेट 0A0, तो प्लस क्यू चार्ज को हमने 0A0 पर रख दिया, 0A0 का मतलब यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा a है और जेड कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो प्लस क्यू चार्ज को हमने यहां पर देखिए हाइलाइटर के पास, यहां पर हमने चार्ज प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, दूसरा चार्ज हमारा माइनस 2q और इसके कोऑर्डिनेट कहां पर हैं, 0 0 0 पर हैं, तो दूसरा चार्ज माइनस 2q हमने 0 0 0 पर रख दिया, मतलब ओरिजिन पर रख दिया, तीसरा चार्ज हमारा प्लस क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, तो इसके हमने इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट A00 और यहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इस तरह से जो चार्ज असेंबली बनती है, इसका हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, तो यहां पर हमारे दो डायपोल बनते हैं, कैसे बनते हैं दो डायपोल, पहला देखिए यहां पर माइनस 2q चार्ज है, इस माइनस 2q चार्ज में से एक माइनस क्यू लेते हैं और दूसरा ये प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, माइनस 2q में से एक माइनस q ले लिया और दूसरा ये प्लस q चार्ज जहां पर हाइलाइटर है, तो ये दोनों चार्ज मिलकर एक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं और उस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस होती है, क्यों, क्योंकि हर किसी डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, सिमिलरली अब यहां पर जो हमारे माइनस 2q चार्ज था उसमें से एक माइनस क्यू तो हमने ले लिया, एक जो दूसरा माइनस क्यू है ये माइनस क्यू और ये चार्ज देखिए यहां पर प्लस क्यू जहां पर ये हाइलाइटर है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरा डायपोल बनाते हैं, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, अब दोनों का जो डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमारा P1 = P2 = QA, क्यों, क्योंकि हमारा आइदर चार्ज तो क्यू है,
दोनों के बीच का सेपरेशन ए है, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस ए है और ओरिजिन से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस ए है, इसलिए सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच में ए हो गया, इसलिए डायपोल मोमेंट हमारा दोनों वेक्टर दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट हमारा क्यू इंटू ए, सपोज दिस इज पी। अब इन दोनों को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ले रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा पैरेललोग्राम से मिलता है पी नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कॉस थीटा। यहाँ पर पी वन पी टू दोनों इक्वल हैं, थीटा की वैल्यू 90 है, तो दिस पी नेट इज इक्वल टू पी रूट टू। अब पी की वैल्यू हमारी क्यू है, तो देयर फोर आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नब ये हमारा ठीक बीच में होगा, ये ठीक बीच में होगा रिजल्टेंट, इसलिए कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के यहाँ पर हाईलाइटर है, ये ए जीरो जीरो है, ए जीरो जीरो, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर भी ए और वाई एक्सिस पर भी ए, जेड एक्सिस पर जीरो, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट ए जीरो ए ए जीरो। तो इसकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट जीरो जीरो जीरो, मतलब ये हमारा ओरिजन और दिस इज ए ए जीरो, और दूसरा ये हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसके अलोंग होगी डायरेक्शन। न्यूमेरिकल नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, द डायपोल एक्वायर्स ए पोजिशन सच दैट एक्सिस ऑफ द डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू बी जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल विल रेस्पेक्टिवली। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट पी है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर प्लेस किया है, जिस तरह से इस डायग्राम में दिखाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डायपोल, और डायपोल की जो पोजिशन है वो एंगल थीटा बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्वेश्चन में कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल थीटा इज इक्वल टू 90 पर जीरो है, तो आपको इस डायपोल पर इस डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है, इस डायग्राम के अंदर जहाँ पर ये हाईलाइटर है, इस डायग्राम के अंदर जो ये डायपोल रखा गया है, इसकी हमें टॉर्क की वैल्यू बतानी है और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, टॉर्क की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है। नाउ इस केस में जो टॉर्क लगता है, हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा होती है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, टॉर्क की वैल्यू हमारी पी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू हमारी पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी। न्यूमेरिकल नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल एक्सपीरियंसेस नंबर 1 ए ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 ट्रांसलेशनल फोर्स only in the direction normal to direction of electric field, number 3 a torque as well as translational force, number d a torque only, and given that eb is greater than ea, hame isme question mein given hai ek non uniform electric field aur us non uniform electric field ke andar ek electric dipole एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस किया गया है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज,
इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर आपको बताना है कि क्या केवल फोर्स लगता है, और यदि फोर्स लगता है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, या फिर कहता है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पार्ट में कहता है कि टॉर्क भी लगता है, ट्रांसलेशनल फोर्स भी लगता है। उसके बाद कहता है ओनली टॉर्क। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है हमारा एफ वन इजिकल टू क्यू ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो फोर्स लगता है दैट इज क्यू ई ए। तो यहाँ पर हमारा नेट ट्रांसलेटरी फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू। एफ वन ग्रेटर क्यों है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर ई बी इज ग्रेटर देन ई ए, देयर फोर एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, देयर फोर नेट फोर्स इज नॉन जीरो। नेट फोर्स कुछ होगा, तो इसलिए ऑप्शन इज सी करेक्ट। टॉर्क भी लगेगा और ट्रांसलेटरी फोर्स भी होगा। टॉर्क तो ऑलवेज लगता है, दो अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पर लगते हैं तो टॉर्क तो लगता ही है, बट यहाँ पर एक ट्रांसलेटरी फोर्स भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। न्यूमेरिकल नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज फिक्स्ड डायपोल मोमेंट पी वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन वेक्टर इज इक्वल टू ई आई कैप। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क टॉ वन इज इक्वल टू टॉ के कैप व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री ई जे कैप। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क टी टू इज इक्वल टू माइनस टी वन वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। हमें क्वेश्चन में गिवन है टी वन वैक्टर इज इक्वल टू टी टू वैक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड ई एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में ई आई कैप, ई वाई वैक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री ई जे कैप। ये हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस में, देयर फोर दिस ई वाई इज इक्वल टू रूट थ्री ई जे कैप। बट वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज इक्वल टू पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। सिमिलरली हम पी वैक्टर को लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, एंड ई वैक्टर कैन बी रिटेन एज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। किसी भी वैक्टर को इस तरह से हम लिख सकते हैं, आई जे के कंपोनेंट्स में, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वेक्टर और ई वेक्टर, पहले डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए हमारा एक ये पी डायपोल मोमेंट वेक्टर पी, क्वेश्चन में कहता है थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो ये डायपोल मोमेंट पी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इसका एक्स कंपोनेंट पी एक्स इजिकल टू पी कॉस थीटा, y component py is equal to p sin theta. Now p vector और e vector की हम दोनों की value रखते हैं, torque is equal to p vector cross e vector में, then total torque is equal to px i cap plus py j cap cross product ex i cap plus ey j cap. हमने इस formula के अंदर P वेक्टर और E वेक्टर की वैल्यू रखी, अब इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। नव टॉ नेट जो होता है दैट इज टी वन वैक्टर प्लस टी टू होगा। पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस में P का कंपोनेंट विच इज P cos थीटा, सिमिलरली Y एक्सिस में P का कंपोनेंट P sin थीटा, सिमिलरली EX की वैल्यू हमारी गिवन थी ई आई कैप, और
EY की वैल्यू रूट थ्री J कैप, इन दोनों का हमें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके पहले हमें T1 और T2 दोनों गिवन है, T2 इज इक्वल टू माइनस T1, तो देयर फॉर दिस टॉ इंटू के कैप माइनस टॉ इंटू के कैप इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से दिस इज पी कॉस थीटा, क्योंकि आई का आई के साथ करने से जीरो हो गया, तो आई का जे के साथ करेंगे तो दिस इज पी कॉस थीटा क्रॉस रूट थ्री ई के कैप, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट इज के कैप, सिमिलरली जे का आई के साथ करेंगे तो दिस इज पी साइन थीटा इन टू ई, जे क्रॉस आई इज माइनस के, देयर फॉर हेयर माइनस, बट जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने से जीरो आता है। नाउ टॉ के कैप माइनस टॉ के कैप इज इक्वल टू जीरो, अब इसमें से हमने पी ई कॉमन लिया तो दिस इज रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन टू के कैप, तो दिस कैन बी रिटेन एज रूट थ्री कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू रूट थ्री टेन थीटा, therefore theta is equal to 60 degree, therefore answer is option C, 60 degree theta is equal to C, option C is correct.